वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल बच्चों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी बाबा ग्रेड 6 प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट परफॉर्म करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट मेनका प्रकाशन बुक के अकॉर्डिंग फिजिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या कहा आपसे। अ स्केल इज केप्ट ऑन अ टेबल विद इट्स एंड ए फिक्स्ड ऑन द टेबल बाय अ टेप। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक स्केल को रखा गया है और उसके एंड ए को एक टेप की हेल्प से फिक्स कर दिया गया है, राइट। यानी ये एक स्केल है हमारे पास, इसको टेबल के ऊपर रखा लाइक दिस और इसके ऊपर टेप लगाकर इसके इस वाले एंड को इसको नाम दिया ए, फिक्स कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अ थ्रेड इज टाइड टू द अदर एंड बी ऑफ द स्केल। स्केल के दूसरे एंड पर जिसको नाम दिया पॉइंट बी, वहां पर एक धागा बांध दिया गया है। आगे चलते हैं। कीप सब्सटेंस एट पॉइंट एक्स ऑन द स्केल। स्केल के ऊपर बीच में कोई एक पॉइंट एक्स है, जैसे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई एक सब्सटेंस आपको रखना है। कोई कॉइन दिया गया होगा आपको, या कोई ब्लॉक दिया गया होगा वुड का, या किसी भी मेटल का ब्लॉक दिया होगा, यहां पर इस पॉइंट एक्स पर उसको रखना है। आगे क्या कहा। पिक द स्केल अप विद द हेल्प ऑफ थ्रेड अलॉन्ग विद द सब्सटेंस बाय अबाउट 2 सेंटीमीटर। अब स्केल को ऊपर की तरफ उठाना है 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग विद दी सब्सटेंस के साथ ही इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है ना। किसकी हेल्प से? थ्रेड की हेल्प से। थ्रेड को पकड़कर हम ऐसे खींचेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ आपको उठाना है सब्सटेंस के साथ। सब्सटेंस को हटाकर अपने घर नहीं ले जाना। ये जो पॉइंट एक्स पर हमने कॉइन लिखा है उसको पॉकेट में मत रख लेना। चलिए आगे क्या कहा। पुट द स्केल बैक इन द ओरिजिनल पोजिशन। और वापस उसको ओरिजिनल पोजिशन में स्केल को रख देंगे जैसे पहले था। क्लियर। अच्छा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा आपसे, राइट दी पोजीशन ऑफ फल्क्रम लोड एंड एफर्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको। यहां पर फल्क्रम की पोजीशन बतानी है, लोड की पोजीशन बतानी है एंड एफर्ट की पोजीशन आपको बतानी है। चलिए तो बताते हैं। ये देखते हैं पॉइंट ए क्या कह रहा है हमारा। पॉइंट ए क्या है हमारे पास? फिक्स्ड पॉइंट है। ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट हमारा बार रोटेट करता था। इस बार को हम क्या बोलते थे? लीवर। लीवर क्या है? लीवर इज ए स्ट्रेट बार, राइट। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट बार या रॉड, उसको हम लीवर बोलते थे। और लीवर जिस फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग मूव करता था, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते थे बेटा? उस पॉइंट को हम बोलते थे फल्क्रम। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारा? एक फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये बार आपका रोटेट करेगा। पॉइंट ए इज कॉल्ड फल्क्रम। तो फल्क्रम क्या हो जाएगा आपके पास? पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं। आगे चलते हैं। एफर्ट किसको कहते हैं बेटा? ये जो पॉइंट बी है, लीवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है, ये सिंपल बार है। मशीन के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं, द फोर्स अप्लाई ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर हम धागा पकड़कर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो मशीन के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं एफर्ट। तो एफर्ट कहां लगा रहे हैं? पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी हमारा क्या हो जाएगा? एफर्ट। पॉइंट बी पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। द फोर्स अप्लाई ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर हम फोर्स कहां लगा रहे हैं? पॉइंट बी पर ही। तो धागे को पकड़कर ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो एफर्ट हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। लोड। अच्छा, लोड क्या होता है हमारे पास? लोड हमने कहां रखा? जो कॉइन है अपने पास वो पॉइंट एक्स पर हमने रखा, ठीक है, पॉइंट एक्स पर हमने रखा। तो पॉइंट एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये किसकी पोजीशन हो जाएगी? लोड की, जिस लोड को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। तो लोड हमारा क्या हो जाएगा? लोड की पोजीशन हो जाएगी एक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा, विच टाइप ऑफ लीवर इज दिस। ये किस तरह का लीवर है भाई? तो लीवर हमारे पास 3 तरह के होते थे, आपको बताया था। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो उनको याद रखने का एक सिंपल फंडा आपको बताया था। एफ एल ई, फ्ली। एफ फॉर फल्क्रम, एल फॉर लोड, ई फॉर एफर्ट। अगर फल्क्रम बीच में है, अगर फल्क्रम मिड में है लोड एंड एफर्ट के, तो फर्स्ट क्लास लीवर होता था। अगर लोड मिड में है आपके पास, बीच में लाई कर रहा है लोड फल्क्रम एंड एफर्ट के, तो ये सेकंड क्लास लीवर होता था। अगर एफर्ट मिड में है, एफर्ट मिड में लाई कर रहा है, तो ये आपका थर्ड क्लास लीवर होता था। तो चेक कर लो। देखो, ये अपने पास पॉइंट एक्स क्या है? किसकी? पॉइंट एक्स पर हमने लोड रखा था जिसको हमें उठाना था, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ? पॉइंट ए हमारे पास हुआ फल्क्रम, फिक्स पॉइंट।
और एफर्ट कहां अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट बी पर। तो देख लो भाई, मिड में कौन लाई कर रहा है, एल। लोड मिड में लाई कर रहा है, तो लोड मिड में लाई कर रहा है तो ये सेकंड क्लास लीवर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास लीवर, है ना। सेकंड क्लास लीवर आपका ये लीवर रहेगा, क्लियर। सेकंड क्लास लीवर, मैं इसको इरेज करके अच्छे से आंसर लिख देता हूं आपको। चलिए, तो लीवर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड क्लास लीवर। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका लोड मिड में लाई कर रहा है। तो विच टाइप ऑफ लीवर इज दिस, दिस इज सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास। चलिए, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, फोर मार्क्स आपके यहां पर हो गए पक्के। अच्छा, आगे चलते हैं। मूव दी सब्सटेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। अब इस सब्सटेंस को जो हमने पॉइंट एक्स पर रखा था सब्सटेंस, उसको उठाकर पॉइंट वाई पर रख देना है, राइट। उसको हमने कहां रखा, पॉइंट वाई पर रखा। एंड पिक अप द स्केल अगेन। अब फिर से हमें स्केल को धागे की हेल्प से ऊपर की तरफ उठाना है। अच्छा, अब क्या पूछा आपसे, फॉर विच पोजिशन ऑफ सब्सटेंस यू रिक्वायर मोर फोर्स टू लिफ्ट इट। कौन सी पोजिशन पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस सब्सटेंस को उठाने के लिए, पोजीशन एक्स पर रखा उस पोजीशन पर या पोजीशन वाई पर। तो आपको आंसर देना है और इसको जस्टिफाई भी करना है कि भाई क्यों, किस पोजीशन पर फोर्स क्यों ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको बताता हूं, पोजीशन वाई पर आपका, वाई पोजीशन पर अगर हम लोड रखेंगे तो वहां पर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, एट पोजीशन वाई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, एट पोजीशन, एट पोजीशन वाई, पोजीशन वाई पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्यों, चलिए उसको समझ लेते हैं। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, एक टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सब्सटेंस को जो हमने पोजीशन एक्स से पोजीशन वाई पर लेकर आ रहे हैं, इसको टर्न ही तो करा रहे हैं फोर्स लगाकर। तो टर्निंग इफेक्ट जो होता है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, अगर हमारे पास डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं, जब हम इस सब्सटेंस को पॉइंट एक्स से उठाकर पॉइंट वाई पर लेकर गए और फोर्स कहां लगा रहे थे हम, पोजीशन बी पर। तो पोजीशन बी पर हमने फोर्स लगाया तो डिस्टेंस हमारी क्या हुई, कम हो गई। अब डिस्टेंस अगर हमारी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो वी हैव रिक्वायर्ड मोर फोर्स, ठीक है। तो हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस सब्सटेंस वाई को टर्न करने में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एट पोजीशन वाई वी रिक्वायर मोर फोर्स बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फोर्स, फोर्स यहां से लगा रहे हैं, इज रिड्यूसेस, है ना। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द लोड रिड्यूसेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो हमें फोर्स की वैल्यू ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा, एट पोजीशन वाई वी रिक्वायर मोर फोर्स टू लिफ्ट द लोड बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द लोड रिड्यूसेस, क्लियर। चलिए, तो यहां पर आपका ये टू मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हुआ। तो सिक्स मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंट आपको मिल सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।